नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो, सिजी संतोषी डी से सुन लोक सो में आप सबके स्वागत है। आज लेके हम संगवारी हो सोयाबीन पराठा की रेसिपी। तो चलो फिर बनाथन आज पराठा। तो सोयाबीन पराठा बनाए बर संगवारी हो देखा भी कर ली हूँ मैं। एक कटोरी सोयाबीन, एक पैकेट वाले सोया बड़ी हरे तो मैं डाल दे हूँ बर्तन में। तो मैं डाल देता हूँ पानी, साथ में डाल देता हूँ थोड़ा से नमक। अभी ला एक उबाल के हाथ लेला, उबाल लेना है बड़ीला। तो देखो मैं यहाँ एक उबाल के हाथ ला बड़ीला उबाल ले हूँ। उबाल एक टाइम आप मला नहीं दिखा पाऊँ। और बाद में ला ठंडा पानी में धो के इला अच्छा से निचोड़ लेता हूँ। निचोड़े के बाद में कर ले हूँ मिक्सी के जार। तो मिक्सी के जार में इला डाल देता हूँ। चलो फिर बड़ीला पीस लेता हूँ। तो मैं ढक्कन लगा दे हूँ। तो देखो बड़ीला में है बढ़िया से पीस ले हूँ। तो एक गर्म है कढ़ाई, गर्म करीब रख दे हूँ गैस में। कढ़ाई गर्म हो गई है और मैं तेल भी गर्म हो गई है। तो मैं डाल दे वो जीरा। अभी कर ली हूँ मैं टमाटर, लहसुन, हरा मिर्ची, कसूरी मेथी, प्याज। तो एक डाल दूँ मैं लहसुन, हरा मिर्ची, प्याज, कसूरी मेथी, टमाटर। एक आप मन गाजर, शिमला मिर्ची भी डाल सकते हो। तो एक दिखाओ टमाटर ला बढ़िया से भून ले वो। तो ये कर ली हूँ मसाला में, गरम मसाला है, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। तो देखो टमाटर भी बढ़िया से भुंज आ गए अभी। तो अब डाल देते हैं सोया बड़ीला जो पीस के रखे नोला। तो सोया बड़ीला भी बढ़िया से भून ले वो। तो देखो बड़ी भी अच्छे से भुन आ गई है। गैस का आंच कम में रखें, कम आंच में ही भून लेना है। तो इकर जो जो मसाला ले रही हूँ सब चीज़ में मिला लेता हूँ। मसाला लग बड़े से मिला के अच्छे से भून लेना है। तो देखो बड़ी है बढ़िया से भुंज आ गई हवे। तो एक डाल देता हूँ मैं हरा धनिया, नीला भी मिला ले वो अच्छे से। तो देखो सोयाबीन की बड़ी बिल्कुल बन के तैयार है पराठा पर। तो चलो फिर आटा सान लेता। तो देखो सोमवार मेरे पास आटा बचे रही से, सुबह रोटी बना रही था वही आटा हरी। तो करी बना था मैं पराठा। आप मन आटा सान सकते हो, गेहूँ का आटा है, नॉर्मल आटा सानता है, बस वैसे ही आटा सान लेना ही। तो एक गर्मी है लोड़ तोड़ लेता हूँ। सोयाबीन के पराठा संगवारी हो बहुत ही टेस्टी लगती, टेस्टी के साथ साथ संगवारी हो सोयाबीन हाँ हेल्दी भी होती। सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाए जाते। तो आप मन हाँ बच्चा मन के टिफिन में भी डाल सकते हो, नाश्ता में भी बना सकते हो। तो एक कर ले हूँ मैं सूखा आटा। तो मैं सूखा आटा लगा के या नॉर्मल जिसे रोटी बेलते ना वैसे रोटी बेल लेता हूँ।
तो देखो एक रोटी बेल ले हम यहाँ, दूसरा रोटी और बेल लेता हूँ। सेम आकार के दो ठान रोटी बेल लेता हूँ यहाँ। देखो रोटी बेला गई है, तो रोटी के ऊपर में सोयाबीन की बड़ी जो बना के रखी ना उन्हें डाल दे थाने में मसाला ला, तो वल फैला दे वो चारों तरफ रोटी के। तो एक ऊपर में लगा दे वो दूसरा रोटी, हल्का से हाथ से दबा दे हूँ बेलन में, हल्का से हिला बेल लेता हूँ हल्का हल्का हाथ से, ताकि दोनों रोटी अच्छे से चिपक जाए करके। तो चलो फिर मैं दूसरा पराठा बेल के दिखाता हूँ। तो कर मेले यहाँ ये बोले छोटे से पूड़ी के आकार के रोटी बेल ले हम यहाँ। तो मैं भर ले वो मसाला, मसाला भर के बाद में दिखाओ आटा ला एक दूसरे से एक प्रकार से दोनों किनारे जोड़ लेना है। एक जगह इकट्ठा करके गोला करके हल्का से हाथ से दबा के सूखा आटा लगा के लभी बेल लेना है। तो दोनों तरीक़े से आप मन पराठा बना सकते हो। तो हल्का हल्का हाथ से बेल लेना है। ये पराठा संवारी हुई ला आप मना सब्जी रोटी दाल चटनी अचार जैसे भी खाना हो ही खा सकते हो, अविला तो बिना सब्जी के भी खा सकता हूँ, बहुत ही टेस्टी लगते, सब्जी के भी ज़रूरत नहीं पड़े। तो चलो फिर पराठा ला सीख लेते हैं। तो देखो तवा गरम करे पर रख दे हमें, तवा गरम हो गई है भाई, तो मैं डाल दे हमें थोड़ा सा तेल, तो अब डाल दे वो रोटी पराठा ला। तो देखो नीचे के साइड ऐसे का गई, तो ला पलट लेता हूँ और अलग पलट के दोनों तरफ ला बढ़िया से लाल की होटला सेक लेना है, हल्का हल्का तेल लगा लेना है। आप घी पसंद करा हो तो घी भी डाल सकता हो। तो देखो पराठा बढ़िया से सेक आ गई लाल की होतला, तो दूसरा पराठा ला ही प्रकार से भी सेक लेना ही। तो संगवारी हो आज की रेसिपी आप मना थोड़ा सा भी अच्छा लगी तो ही तो एक लाइक ज़रूर कर दे, चैनल में नया हो तो चैनल में सब्सक्राइब कर लो। तो देखो कितना अच्छे से पराठा हमारा बन के तैयार है, गरम गरम पराठा। देखो कितना अच्छा से मैं मसाला भरे हुए सोयाबीन के,